हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई टू स्टेट टीम पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सोशियोलॉजी पेपर सेकंड द्वितीय प्रश्न पत्र इकाई एक से इकाई पांच तक के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले हमने इसके पेपर फर्स्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे और मैंने आपको पॉलिटिकल एंड हिस्ट्री के भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं, तो आप उन्हें भी जाकर चेक कर सकते हो। मैंने प्ले लिस्ट बना दी, आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए। और मैंने इसके प्रीवियस ईयर के पेपर बताए थे कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उस प्रकार तैयारी कर सकते हो कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में समाजशास्त्र के विकास का वर्णन कीजिए। भारत के समाजशास्त्र का वर्णन करना है आपका, किस प्रकार उसका विकास हो रहा है। अगला हो जाएगा, समाजशास्त्र की उपयोगिता लिखिए कि समाजशास्त्र क्यों उपयोगी है, समाजशास्त्र क्यों लाया गया। अगला हो जाएगा आपका, समाजशास्त्र एक विज्ञान है, क्यों समझाइए। समाजशास्त्र को एक विज्ञान माना जाता है, क्यों माना जाता है, समझाइए। और आपसे एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, समाजशास्त्र एक विज्ञान है अथवा कला, तो इनमें से आपको अपना विचार व्यक्त करना होगा। अगला आ जाएगा आपका, वैज्ञानिक पद्धति का क्या अर्थ होता है। तो इसका आपके इकाई एक में ही चार क्वेश्चन थे, तो चलिए अगली इकाई देखते हैं। इकाई दो में आपका पहला क्वेश्चन है, समाज से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता बताइए कि समाज क्या होता है, सोसाइटी क्या होती है और उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, समुदाय से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों की चर्चा कीजिए। एक समुदाय होता है तो वो एक क्या होता है, इसके प्रकार बताने, किस प्रकार के समुदाय होते हैं। अगला हो जाएगा, समाज और समुदाय में अंतर बताइए, समाज एवं समुदाय में क्या अंतर है, तो आपको ये बताना है। समिति और संस्था में क्या अंतर है, समिति होती है, संस्था संगठन होता है, तो उन दोनों में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सामाजिक संरचना की विवेचना कीजिए, सामाजिक संरचना क्या होता है, इसकी विशेषताएं लिखिए, विवेचना कीजिए। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए अगला देखते हैं, इकाई तीन हो जाएगा आपका पहला क्वेश्चन, सामाजिक संगठन के आवश्यक तत्व बताइए। तो सामाजिक संगठन के आपको आवश्यक तत्व बताने हैं। परिवार का समाज में क्यों महत्व है, क्या महत्व है, परिवार का समाज में क्या महत्व होता है, आपको यह बताना है। परिवारों से ही समाज मिलकर बनता है, हम लोगों से मिलकर समाज बनता है, तो ये आपका बताना है पूरा आपको। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सामाजिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, समाज की जो व्यवस्थाएं हैं उनसे आप क्या समझते हैं। स्थिति और भूमिका का समाज शास्त्रीय महत्व बताइए। अगला क्वेश्चन आ जाता है, क्या हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। क्या हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, तो विवाह एक संस्कार माना जाता है, 16 संस्कारों में विवाह भी एक संस्कार है, तो वे तर्क आपको सहित उत्तर देना है तर्क के साथ में। अगला हो जाएगा, हिंदू विवाह और मुस्लिम विवाह में अंतर बताइए कि हिंदू विवाह और मुस्लिम विवाह में क्या फर्क है, क्या अंतर होता है दोनों की विधि संस्कारों में। अगला हो जाएगा आपका, जाति से क्या तात्पर्य है, जाति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जाति क्या होता है, जाति की प्रमुख विशेषताएं बतानी है आपको। फिर अगला हो जाएगा, शिक्षा की परिभाषा दीजिए, इसका महत्व बताइए कि शिक्षा क्यों उपयोगी है, शिक्षा के क्या लाभ हैं, आपको इस प्रकार पूरा क्वेश्चन बताना है। अगला हो जाएगा, नातेदारी की परिभाषा बताइए, नातेदारी किसे कहती हैं, इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हमने इकाई एक से इकाई तीन तक के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे, तो चलिए इकाई चार के और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। इकाई चार और पाँच के ये द्वितीय प्रश्न पत्र के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। इससे पहले इकाई एक से इकाई पाँच तक के पेपर फर्स्ट के भी हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं और इनके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन हो जाएगा, संस्कृति का अर्थ एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए कि संस्कृति क्या होती है, संस्कृति का मतलब क्या होता है और उसकी विशेषताएं बतानी है आपको। समाजीकरण पर एक निबंध लिखना है, समाजीकरण पर। अगला हो जाएगा, प्रतियोगिता की परिभाषा दीजिए, प्रतियोगिता क्या होता है, किस प्रकार उसकी परिभाषा है। प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में अंतर बताइए, संघर्ष आपसे अगल भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये प्रतिस्पर्धा क्या किसे कहती है, संघर्ष क्या होता है और साथ में अंतर भी पूछ सकते हैं। अगला हो जाएगा, अभौतिक संस्कृति क्या है, समझाइए, अभौतिक संस्कृति क्या होती है, समझाना है आपको। फिर आपकी इकाई पाँच आती है जिसमें आपको तीन क्वेश्चन ही दिए गए हैं, सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा को समझाइए, सामाजिक नियंत्रण क्या होता है इसकी परिभाषा भी पूछ सकते हैं आपसे, शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको इसमें बन जाएगा आपका। फिर अगला है, सामाजिक स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं, समाज का स्तरीकरण क्या होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, समाजशास्त्र तथा सामाजिक परिवर्तन पर एक निबंध लिखना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, इसमें हमने इकाई एक से इकाई पाँच तक के जो क्वेश्चन लगभग सेम ही हैं। इसमें आपको समाजशास्त्र की उपयोगिता, समाजशास्त्र से संबंधित क्वेश्चन है,
फिर समाज, समुदाय, संगठन, समिति, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा गया। सामाजिक संरचना से संबंधित क्वेश्चन है, परिवार, समाज, हिंदू भवा, मुस्लिम भवा, आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। जाति, शिक्षा, नातेदारी, ये सब क्या होता है, एक पूरा हमारा समाज ही पूछा गया इसमें। प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, समाजीकरण, संस्कृति, जो कि आपके मिलते जुलते क्वेश्चन हैं। आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना और बहुत ही कम क्वेश्चन हैं आपकी और छोटी इकाइयाँ हैं, तो 3-4 क्वेश्चन ही लिए गए हैं एक इकाई में से। अगला 5 इकाई में आपका सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक स्तरीकरण, समाज शास्त्र तथा सामाजिक परिवर्तन, इस प्रकार के क्वेश्चन हैं। तो आपको एक एक दो क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ोगे तो सब क्लियर हो जाएंगे, उनमें ही एक क्वेश्चन से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं हर एक इकाई में। तो ये आपकी थी सोशोलॉजी पेपर सेकंड बीए फर्स्ट ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमने पेपर सेकंड कंप्लीट कर लिया, तो इसके वस्तुनिष्ठ भी देखेंगे हम, और मैंने हिस्ट्री पॉलिटिकल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, आप उन्हें जाकर जरूर देखें। और मैंने बीए एंड बीएससी की प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्यूशन करवा दिया है, तो आप उन्हें भी जाकर देखें। प्ले लिस्ट आप चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो आप लोग, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको आपके पास इसी प्रकार की और भी वीडियो का अपडेट मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।